एसडीपीआई लीडर्स की जानिब से गुलबर्गा डीसी पुलिस कमिश्नर और एसपी को मेमोरेंडम सबमिट कर हिंदू जागृति सेना के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालिबा किया गया है। दरअसल कुछ दिन पहले हिंदू जागृति सेना संगठन के लोग डीसी ऑफिस पर एहतजाज कर बकरा ईद के खिलाफ बयान देते हुए कहा, ये लोग सड़कों पर उतर कर गौकशी को रोकने का काम करेंगे। हमारा संगठन के तरफ से ये बोलना चाहता हूँ, अगर 10 तारीख तक पुलिस अगर तैनात नहीं रहा तो हमारे संगठन के तरफ से हम जाकर रात में तैनात रहते। इस बयान के बाद गुलबर्गा एसडीपीआई लीडर्स ने डीसी पुलिस कमिश्नर और एसपी को मेमोरेंडम सबमिट कर खुलेआम धमकी देने वाले हिंदू जागृति सेना संगठन के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालिबा किया है। नाम निहाद हिंदू संगठन के लोगों को सिर्फ बकराईद के मौके पर गौकशी याद आती है। हिंदुस्तान से हर आए दिन बीफ एक्सपोर्ट कंपनी के जरिए लाखों टन बीफ सप्लाई होता है और ये हिंदू संगठन के लोग आज तक बीफ एक्सपोर्ट कंपनी के खिलाफ एहतजाज नहीं किए हैं। इस तरह हर साल बकराईद के मौके पर सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर मुल्क का माहौल ख़राब करने की साजिश की जाती है। सऊदी अरब और दीगर मुल्क में बीफ एक्सपोर्ट कर वहाँ के मुसलमानों को बीफ बेचा जा रहा है और हिंदुस्तानी मुसलमानों के खिलाफ गौकशी के नाम पर कत्ल किए जा रहे हैं। एसडीपीआई लीडर्स ने कहा, अगर इस तरह खुलेआम धमकी देकर माहौल ख़राब किया जाएगा तो एसडीपीआई इनके खिलाफ लीगल एक्शन लेगी और डीसी एसपी और पुलिस कमिश्नर को इमीडिएट एक्शन लेने की गुजारिश भी की गई है। देखिए, जितने भी जानवर हैं उसको एक सर्टिफिकेट दी जाती है, डॉक्टर के तरफ से सर्टिफिकेट दी जाती है, इतने साल के बाद आप उसको कुर्बानी दे सकते हैं, काट सकते हैं, तो वही आप ले जाकर अपना कुर्बानी कर सकते हैं। ये जो पुलिस को भी नहीं मालूम, अब ये मालूम होना चाहिए, और ये जो मॉरल पुलिसिंग करते हैं इनको भी मालूम होना चाहिए। माता बोलकर सीधा जाकर क्या है मालूम है, सिर्फ गाय को ये नहीं करते, ये लोग बैल को, भैंस को, ये सब ले जाकर वहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट में दे देते हैं। ये भी मालूम होना चाहिए क्या चीज़ कानून के अंदर, जो लॉ पास हुआ है कॉस लॉटर 2020 जो पास हुआ है वो ऑलरेडी हाईकोर्ट के अंदर सेक्शन नंबर 5 का डिस्कशन चल रहा है, अभी लीगल कार्रवाई में है, लेकिन ये उससे पहले ही ये इस तरीके से बात करना, इस तरीके से इस चीज़ों को उछालना, ये सरासर मिसगाइड करने के लिए है। इनके पास कोई इशू नहीं है, यहाँ पर लोग भूखे मर रहे हैं उसके बारे में बात करने तैयार नहीं है लोग। ये जिस गाय के बारे में बात कर रहे हैं हम भी इनके साथ खड़े रहेंगे, ये जिस तरीके से बोल रहे हैं कि बकरीद के अंदर हमारे साथ ये अगर गाय कुर्बानी नहीं करेंगे तो ये हमारे साथ ईद मनाएंगे, ये बात कह रहे हैं, तो हम भी इनके साथ खड़े रहेंगे। आप यहीं देखिए, तिम्मापुरी से चौक से लेकर जगत सर्कल तक डिवाइडर के पास कई गौ माता भूख से तड़पते हुए वहाँ पर बैठी हुई है, अभी भी आप देख सकते हैं। तो उन लोगों का ख्याल कौन करेगा, उन जानवरों का ख्याल कौन करेगा? तो ये सब बकवास बातें हैं, ये ढोसली बातें हैं इन लोगों के, ये हम यहाँ पर कहना चाहते हैं। ऐसा बकरीद का, ईद का जैसे ही फेस्टिवल सीज़न आता है, गौ रक्षक दल हिंदू जागरण वेदी के इन लोगों का जो गौ माता का प्यार वापस उमड़ को आता है, मेरा सवाल उनसे यही है कि अब तक एक्सपोर्ट में इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है, अभी भी लैक्स टन्स ऑफ गदर जो बीफ एक्सपोर्ट्स है वो रुका नहीं, अभी भी जारी है। कौ स्लॉटर बिल आ गया, तकरीबन स्टेट्स में आ गया है, तकरीबन जगह कैलम जो बीफ और एक्सपोर्ट्स कौ के ऊपर बैन है, उसके बावजूद भी एक्सपोर्ट में लगातार हमारी इंक्रीज होते गए, वृद्धि होती गई है। अब वो जानवर कहाँ से आ रहे हैं? क्या वो आपके जानवर नहीं? वहाँ पर कौ, वहाँ पे गाय की आपकी जो आस्था है, वहाँ का जो प्रेम है, वहाँ पर नहीं आते क्या? आज तक ये लोग कई कोई एक्सपोर्ट फर्म के सामने जाके प्रोटेस्ट करे तो देखे हैं क्या? अगर इनकी जो आस्था है हम उसके आस्था का रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये आस्था सिर्फ मुसलमानों की दुश्मनी में आती है क्या? सिर्फ मुसलमान नहीं खाना, लेकिन बाहर अमेरिका का मुसलमान खाना है, अरब का मुसलमान खा सकता है, इंडिया का मुसलमान नहीं खा सकता है, यहाँ का दलित नहीं खा सकता, यहाँ का ओबीसी नहीं खा सकता है, लेकिन एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि एक्सपोर्ट के जितने भी फर्म के ओनर हैं इनके बीजेपी के बड़े बड़े डोनर्स हैं, इसलिए ये लोग एक्सपोर्ट फर्म के सामने जाकर वहाँ पर गौ रक्षा दल या हिंदू जागरण वेदी के वहाँ जाके प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ और ईद के मौके पर इनको इनकी आस्था याद आती है। हम आपकी आस्था को रेस्पेक्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि एक्सपोर्ट भी बैन हो, जिस तरह से आप मुसलमान और दलित और ओबीसी जैसा आप चाहते हैं कि नहीं खाना है, ठीक है हम नहीं खाएंगे, उसी तरह से एक्सपोर्ट को भी आप बैन कीजिए। बीजेपी की सरकार आपके केंद्र में भी है और राज्य में भी है, पूरा बैन करवाइए। खाली सिंगल आउट कर ये जो दुश्मनी निभाने का जो काम है ये गलत है, और गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट
किसी एक पार्टी की या एक कम्युनिटी की नहीं होती, सबकी होती है। क्योंकि अब मुस्लिम कम्युनिटी का तकरीबन कर्नाटका में 1 करोड़ से ज़्यादा मुस्लिम की पॉपुलेशन है, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है जब 1 करोड़ लोगों का जब फेस्टिवल होता है, जब उनके घरों में उनके महल्ले में एक ईद का माहौल, खुशी का माहौल होता है, इसको बरकरार रखने का और इस ईद को कंट्रीब्यूट करने का गवर्नमेंट का भी जिम्मेदारी होती है। और गवर्नमेंट से डिमांड करता हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन से भी डिमांड करता हूँ, इस तरह के लोग जो सरपसंद लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन को और मुस्लिम कम्युनिटी को चैलेंज कर रहे हैं कि ऐसा करे तो वैसा करते हैं, वैसा करे तो ऐसा करते हैं, ऐसे लोगों को लगाम लगाना चाहिए। और ये जो आने वाला जो 10 और 11 तारीख को जो ईद है, ईद के मौके पे एक पीसफुल माहौल गुलबर्गा में रखने का ये हमारा डिमांड है गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन से।